जल्द ही आप लोगों के लिए मैं कुछ रेसिपी वगैरह शेयर करूंगी और कुछ दिवाली डेकोरेशन की भी वीडियो शेयर करूंगी। और एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल। और बहुत दिन हो गए मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं गया, क्योंकि मेरे जो है आँख का ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से मैं जो है वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। और आज मुझे जो है ये 6 डेज हो गए हैं और बस 2-3 दिन और लगेंगे मुझे अच्छे होने में। और ये जो आपने देखा देख रहे हैं चश्मा मैंने जो लगाया है, ये उसी का है। और ये चश्मा मुझे 24 आवर लगाना है ताकि आँखों में धूल मिट्टी और ये पानी वगैरह का छींटा ना जाए। बस नाइट में मुझे निकाल के जो है ये सोना है। तो यही रीज़न है कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। और बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे दूँ। हालांकि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे लगाया है कि मेरे आँख का ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो बहुत ही इजीली जो है ये ऑपरेशन हो जाता है और 15 से 20 मिनट में जो है मोतियाबिंद का जो है ऑपरेशन हो जाता है। ये वाली जो आँख है इसको मैंने 2021 में करवाया था और ये अभी मैं ये 2024 में मैंने ये जो है इसको करवाया है, क्योंकि ये बारी बारी ही होता है, एक बार दोनों आँख का ऑपरेशन नहीं होता है। अब जब एक एज हो जाती है तो ये चीज़ें जो है स्वाभाविक है। जब 40+ होते हैं हम, तो हमारी आँखों में ये चीज़ें हो जाती हैं। सबकी में नहीं होती हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं और हो जाती हैं। तो बस मुझे अब अच्छी तरह से सारी चीज़ें जो है ये दिख रही हैं। और क्योंकि मैंने दिवाली क्लीनिंग की जो वीडियो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और दो पार्ट में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं आई बटन में दे रही हूँ, जाके उसको आप देख लीजिए। और जल्द ही आप लोगों के लिए मैं कुछ रेसिपी वगैरह शेयर करूँगी और कुछ दिवाली डेकोरेशन की भी वीडियो शेयर करूँगी। और जो मैंने कुछ दिवाली शॉपिंग भी मैंने ऑनलाइन कुछ किए हैं, तो उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और तो ये सब जो वीडियो हैं अब इसके बाद जो है आएंगे। और क्योंकि सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होता है, हमारी सेहत फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। और यूट्यूब का जो काम है वो तो हम करते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हमें अपनी सेहत पे ही करनी चाहिए, तभी बाकी चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं। तो आप लोग बहुत इंतज़ार किए मेरे वीडियो का, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको को मेरी वीडियो अच्छी लगती है। और तो ये सब सारी जो वीडियो है दिवाली की जो है डेकोरेशन, दिवाली की जो है रेसिपी वगैरह मैं आपके साथ खुद शेयर करूँगी। और पहले की जो मैंने दिवाली डेकोरेशन और दिवाली रेसिपी वगैरह है मैं कम्युनिटी पोस्ट पे लगा रही हूँ। कल परसों भी मैंने पोस्ट किया था। और दिवाली जो फ्लावर रंगोली होती है उसको भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, तो कम्युनिटी पे जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो उस तरह जो फ्लावर रंगोली होती है बहुत ही अच्छा होता है। और 2 साल से मैं जो है अपने चैनल पे फ्लावर रंगोली ही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और क्योंकि वो अच्छे भी होते हैं। और इन फूल जब फूल जो फूल हम अगर पूजा वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है कि जो है ये जो पुराने जो फूल हो जाते हैं जो पूजा पे चढ़ते हैं उनका हम क्या करें, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो उसकी भी मैं जो है ये वीडियो इन स्क्रीन में लगा दूंगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो बस यही कुछ रीजंस थे, जैसा आपने देखा कि मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ है मोतियाबिंद का, इसी वजह से जो है मैं वीडियो प्रॉपर नहीं डाल पा रही हूँ।
नहीं तो मेरे हफ्ते में चार पांच पांच वीडियो जाते ही जाते हैं, तो बस यही रीजन एक था। तो मोतियाबिंद से रिलेटेड अगर आप लोग को कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इसका प्रोसीजर है, क्या कैसे ये होता है, और तो मैं जो है वीडियो ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलती हूँ। बस ये छोटी सी आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। और ये 6 दिन बाद जो है मैं अपने फ़ोन को टच की हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर दूँ। तो चलिए फिर आप लोगों से अपने अगली वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।